हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार डीएलएड के जितने भी छात्र हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका काउंसलिंग का डेट 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक काउंसलिंग का आपका डेट है, ठीक है, बिहार डीएलएड का। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आपका जो काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो किस से स्टार्ट होना था, लेकिन लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था, ठीक है, लिंक जो है एक्टिव नहीं हुआ था 21 तारीख से। तो अभी तक जो है अच्छे से लिंक काम ही नहीं किया। सबसे पहले तो लोगों का दिक्कत हो रहा था, बच्चों को वो लॉगिन अच्छे से नहीं हो रहा था, ठीक है, लॉगिन मिरर कर रहा था, ठीक है। फिर लॉगिन हुआ तो उसमें क्या हो रहा था कि आगे का जो प्रोसेस है वो जो पेमेंट का ऑप्शन था, पहले पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक ही नहीं हो रहा था, ठीक है। एक दो दिन का मतलब समय जो है धीरे धीरे जा रहा था। फिर पेमेंट का ऑप्शन आया तो पेमेंट कट गया, ठीक है, पेमेंट हो भी गया लेकिन वहाँ पे आगे का प्रोसेस शो नहीं कर रहा था, कॉलेज चुनने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर जब कॉलेज चुनने का ऑप्शन आया तो कॉलेज कुछ बच्चे जो है पहले पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने के बाद जो उनका मोबाइल से पेमेंट कट गया और काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो रहा था। कहने का मतलब बहुत सारा प्रक्रिया हुआ, ठीक है, कॉलेज चुनने के बाद भी जो जो जैसे जैसे वो नंबर डाल रहे थे, जिस तरह से कॉलेज का नंबर, वो उस तरह से शो नहीं कर रहा था कॉलेज का नाम। ये भी एक समस्या था, समझ में नहीं आता बच्चों क्या क्या करें, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अभी आज जो है 27 तारीख है, उसके बाद 28 तारीख है, आज भर ही फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए कि अगर लिंक अच्छे से काम करे, ठीक है, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए अपना, ठीक है, नहीं तो पूरी संभावना है इसका, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस नहीं आया लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ेगा, ठीक है, काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ेगा, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं है, नोटिस नहीं आया अभी तक बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जो लिंक जब काम नहीं कर रहा था तो काउंसलिंग का डेट तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए टेंशन लेना है, अभी भी आपके पास समय है, काउंसलिंग कर दीजिए या फिर थोड़ा सा आप और रुक सकते हैं, कल तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।